1956 में इतने गंभीर विषय पे मुझे बोलने का मौका दिया। स्वास्थ्य सेवाएं जो है वो हम सब के लिए, पूरे प्रदेश की जनता के लिए बहुत अहम है और कहीं ना कहीं सारे लोग इससे जुड़े हुए हैं। मैं चाहता हूं कि इस गंभीर मुद्दे पे 2 घंटे की चर्चा करा ली जाए, जिससे जो आज स्वास्थ्य व्यवस्था पूरे प्रदेश की गड़बड़ है, अस्पतालों में, मेडिकल कॉलेजों में आम जनमानस को इलाज नहीं मिल पा रहा, दवाएं नहीं मिल पा रही हैं, लोग परेशान हाल घूम रहे हैं। कहीं कहीं तो देखा जा रहा है, आए दिन अखबारों में, न्यूज चैनल्स में आता है, कहीं स्ट्रेचर नहीं है, मरीजों को एम्बुलेंस नहीं मिल पा रही है, कहीं ना कहीं वेंटिलेटर और आईसीयू की कमी से मरीज दम तोड़ रहे हैं। मैं चाहता हूं कि सरकार इसको संज्ञान में ले और इन सारी व्यवस्थाओं को सही करे। माननीय मंत्री जो स्वास्थ्य मंत्री जी हैं वो तो ये कहते हैं कि पूरी व्यवस्था सही कर दिए, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। मानवर प्रत्येक जिले में लगभग 30 बेड का एमसीएच विंग बनाया गया, जो हमारी सरकार में शुरू किया गया, 7 साल इस सरकार को हो गया, अभी तक ये विंग पूरी कंप्लीट नहीं हो पाई, और जो विंग कंप्लीट हो पाई वहां पर सही इलाज नहीं मिल पा रहा, वहां पे डॉक्टर और स्टाफ की कमी है, और जो डॉक्टर स्टाफ की कमी है वो जुआर से उसको चलाने का काम किया जा रहा है। दूसरी तरफ हमेशा से ये कहा जा रहा है कि ये सरकार महिलाओं का बहुत ध्यान देती है, हमारी जो बहन बेटियां हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, उनको जब ऑपरेशन की जरूरत होती है तो हमारे हॉस्पिटल्स देखे जा रहे हैं कि वहां पर ना तो विशेषज्ञ हैं, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं है, सर्जन नहीं है, एनेस्थीसिया देने वाला डॉक्टर नहीं है, और साथ ही साथ यहाँ बहुत से ऐसे डॉक्टर बैठे होंगे, वो जानते होंगे कि वहां पर जब ऑपरेशन होगा तो उस वक्त एक बच्चों के डॉक्टर विशेषज्ञ का भी होना जरूरी है। कहीं पे एक बच्चे के डॉक्टर है तो जनरल सर्जन नहीं है, जनरल सर्जन है तो एनेस्थीसिया के डॉक्टर नहीं है। इन सारी चीजों की कमी को सरकार पूरा नहीं कर पा रही। साथ ही साथ पूरे प्रदेश में जो ओपीडी चलाई जा रही है, ओपीडी में मरीज जा रहा है, सरकारी हॉस्पिटल्स में गरीब तबके के लोग जाते हैं इलाज के लिए, जिनके पास संसाधन नहीं होता, और इस उम्मीद से जाते हैं कि हम वहां जाएंगे तो हमको अच्छा इलाज मिल सकेगा, हमें दवाएं मिल सकेंगी, लेकिन अफसोस ही सरकार उनको दवाएं नहीं उपलब्ध करा पा रही है। सरकार के हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में बीपी शुगर हार्ट की दवाएं नहीं है, और जो मिलती है तो वो कहीं कहीं ना कहीं वो आउटडेटेड हो चुकी हैं। डॉक्टर मांग करते हैं लेकिन यहाँ पर उनको दवाएं उपलब्ध नहीं कराई जाती। साथ ही साथ जो सीएससी पीएससी है उनका जो मानक है, उस मानक के अनुसार वहां पे ना डॉक्टर है, ना टेक्नीशियन है, ना स्टाफ है, और ना ही दवाएं हैं। मैं तो यहाँ कहना चाहता हूँ कि जिस क्षेत्र गोपालपुर से मैं आता हूँ वो बाढ़ ग्रस्त इलाका है, बाढ़ ग्रस्त इलाका, पिछड़ा इलाका है, तमाम हम लोग मांग करते रहते हैं, लेकिन आए दिन हमको ये शिकायतें मिलती रहती हैं कि हमारे सीएससी पीएससी पे दवाएं नहीं है, जहरीले जानवर काट लेते हैं, उन जानवरों के काटने का वैक्सीनेशन नहीं है, रेबीज के इंजेक्शन नहीं मिल रहे, लेकिन सरकार ये कहती है कि हम सारी चीज उपलब्ध करा रहे हैं, जो कि सारी की सारी चीजें झूठी हैं। साथ ही साथ जो लैब है, लैब में आज टेक्नोलॉजी ऊपर जा चुकी है, लैब में जो मशीनें होनी चाहिए लेटेस्ट, वो मशीनें नहीं है, और अगर मशीनें हैं तो वो लैब टेक्नीशियन नहीं है जिससे सही उनकी जांच हो सके और सही इलाज मिलने में उनको सुविधा मिल सके। वहीं पर जो हॉस्पिटल्स हैं, हॉस्पिटल में एक्सरे मशीन, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन की सुविधा अगर कहीं है तो पता चला वहां डॉक्टर रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, रेडियोलॉजिस्ट ना रहने की वजह से वो मशीनें बेकार हैं, और कहीं पे अगर डॉक्टर अवेलेबल है तो पता ये चल रहा है कि वो मशीनें खराब पड़ी हैं और बनने के लिए वो लखनऊ से टेक्नीशियन जाने वाले हैं। मैं सरकार का ध्यान उस पर आकर्षित करना चाहता हूं,
जिससे कहीं ना कहीं हमारे लोगों का इलाज होने में असुविधा हो रही है। अस्पताल में अस्पताल के जो स्टाफ हैं, जो डॉक्टर्स हैं, एक बार इत्तेफाक हुआ, मैंने देखा कि डॉक्टर्स जिस घर में उनको रहने का रिहाइश दी गई है स्टाफ को, वो बहुत जर्जर हालत में है। जब वो खुद ही अच्छे हालात में नहीं रहते और उनसे दुगनी ड्यूटी ली जा रही है डॉक्टर और स्टाफ की कमी से, तो आप बताइए उनके ऊपर मानसिक कितना उत्पीड़न हो रहा है। इसलिए उनको जो व्यवस्था देनी चाहिए, सरकार उस व्यवस्था को नहीं दे पा रही। दूसरा सबसे अहम मुद्दा कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार गंभीर रोगी बढ़ते जा रहे हैं। कैंसर के पेशेंट, किडनी के पेशेंट, हार्ट के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जो जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल रही। हमारी सरकार, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कैंसर इंस्टीट्यूट यहाँ बनाया, आपने तो उसका नाम रख दिया जिसमें आप माहिर हैं, लेकिन कैंसर इंस्टीट्यूट आप चला नहीं पा रहे हैं, कैंसर के पेशेंट को इलाज नहीं मिल पा रहा। दूसरी तरफ आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, जो मुख्यमंत्री राहत कोष से मदद मिलती है, और चाहे वो मुख्यमंत्री राहत कोष से जो मदद मिलती है, आज ये हालात है सर कि मेडिकल कॉलेज में राहत का पैसा जाने के बाद उन गरीबों को दवाएं नहीं मिल पा रही। दवाएं 200-250 रुपए की देके बाकी सारी दवाएं बाहर से लिख दी जा रही है। वो गरीब जब आपसे गुहार लगा रहा है, सरकार उसको पैसा दे रही और मेडिकल कॉलेज में जब दवा नहीं मिल पाएगी तो बेचारा गरीब बाहर जाके कहां से दवा लेगा। दूसरी तरफ आयुष्मान भारत का बड़ा नाम लिया जाता हर बात में, आयुष्मान भारत की मैं सरकार से आपके माध्यम से मांग करता हूं कि इसकी जांच होनी चाहिए। जिस हॉस्पिटल में लोग जाते हैं छोटे से छोटे ऑपरेशन के लिए लाखों लाख का बिल बनाकर उसमें घोटाला किया जा रहा है, दोबारा उनको इलाज नहीं मिल पा रहा है। साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूं कि इससे पहले माननीय एक मिनट हो गया जी, बस खत्म कर रहा हूं। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे थे, आपके पास हेल्थ एजुकेशन डिपार्टमेंट था, मैंने आपसे कहा कि हमारी सरकार में माननीय अखिलेश यादव जी ने मेडिकल कॉलेज को एक फंड अलॉट किया था और उस फंड के जरिए गरीब लोगों का इलाज मिलता था। आपने इसी सदन में वादा किया था कि हम उसका बजट को बढ़ाने का काम करेंगे। आज ना बजट भी बढ़ा और ना ही वो पैसा जो इलाज गरीबों के लिए जा रहा उसका इस्तेमाल हो रहा। मैं इसलिए आपसे मांग करता हूं कि मानवर इन सारी चीजों पर काम कर इस पे 2 घंटे का चर्चा करा ली जाए, जिससे आम जनमानस की जो समस्या है हेल्थ से जुड़ी, स्वास्थ्य से जुड़ी, वो सामने आ सके और सरकार इस गंभीर विषय पे ध्यान देकर स्वास्थ्य व्यवस्था को बहाल कराए। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बहुत ही संवेदनशील विषय